गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों आपके पास 16 डेट में ये वर्कशीट आई थी, इसके आंसर मैं आपसे टैली करा रही हूँ, मैच कर लीजिए। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। हम प्यार से गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू। भारतीय नोट पर किसका चित्र छपा है? महात्मा गांधी जी का। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। हमारे देश के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। आप सुबह कितने बजे सोकर उठते हैं या नाप लिखेंगे? हमें सभी कार्य कैसे करने चाहिए या कब करने चाहिए? इसका आंसर है ठीक समय पर। ठीक समय पर सब कुछ करने से क्या हो जाता है? हम समझदार हो जाते हैं। दादाजी के घर के सामने कौन सा पेड़ है? नीम का। बंटी के दादाजी कहाँ रहते हैं? गाँव में। ये जो प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं ना बच्चों, तो आपको अपनी कॉपी में पहले प्रश्न और एक लाइन छोड़कर उसके बाद उत्तर इस तरह से लिखना है, ठीक है? ऐसे नहीं लिखना है जैसे आप क्लास में करते हो काम, ऐसे लिखना है। यह आंसर आप टैली कर लीजिए। इसके बाद आज की वर्कशीट करेंगे। आज आपको सारे खाली स्थान फिल करने हैं, है ना? ऊपर लिखेंगे खाली स्थान भरिए। नंबर वन, गांधी जी डैश और अहिंसा के पुजारी थे। नंबर टू, गांधी जी का नाम जन्म डैश को हुआ था। अगर आपने गांधी जी वाला पाठ पढ़ा हुआ है ध्यान से और आपको याद है तो आप ये बिना याद किए हुए लिख लेंगे, क्योंकि ये सब कुछ जितने भी फिलअप है हर पार्ट में से लिए गए हैं, पार्ट के बीच में से, ठीक है? पार्ट के पीछे भी फिलअप है लेकिन वहां से कम लिए गए हैं, पार्ट के बीच में से ज्यादा लिए गए हैं। तो आप सब ध्यान से पार्ट रीड करेंगे। बंटी के डैश गाँव में रहते हैं, कौन रहते हैं? यहाँ पे लिखना है दादाजी ने बंटी को किसके बारे में बताया। अगर आपको ध्यान हो आपने पाठ पढ़ा होगा तो इसमें एक पक्षी का नाम आएगा, कौन से पक्षी के बारे में बताया? कुत्ता उनके घर की क्या करता है? कुत्ता उनके घर की डैश करता है। क्या लिखना है यहाँ वो आप देखिए, मोर के पंख डैश होते हैं। बबलू पढ़ाई में डैश था, कैसा था वो बताना है आपको। डैश करना अच्छी आदत नहीं है, ये इस पार्ट में है, इस पार्ट से संबंधित है। डैश करना अच्छी आदत नहीं है, क्या करना अच्छी आदत नहीं है ये आप बताएंगे। माँ ने समझाया था वो आंसर यहाँ पर आएगा। जार का मुंह डैश था, आपको बताना है जार का मुंह कैसा था जिसमें बबलू का हाथ फंस गया था। बबलू को डैश बहुत पसंद था, बबलू को क्या पसंद था खाने में, उसको कौन सा टेस्ट पसंद था वो आपको लिखना है। बबलू को क्या पसंद था, है ना? ये आपको खाली स्थान लिखना है। ये हिंदी टेक्स्ट का काम आता है बच्चों, आपके पास जो मैं भेजती हूँ हिंदी टेक्स्ट की कॉपी में ही करना है। ऐसा नहीं अगर आपके पास हिंदी टेक्स्ट की कॉपी नहीं है या फील होगी तो आप ग्रामर में करेंगे, ग्रामर में ये वाला वर्क आपको नहीं करना। एक एक लाइन छोड़ के सुंदर सुंदर लिखना है और अपना आप वर्क करेंगे और खाली ओनली आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना? एक एक शब्द का आप ओनली आंसर लिखेगा तो वो चेक वर्क नहीं होगा आपका। पूरा आप सेंटेंस उतारेंगे, उस सेंटेंस के बीच में आप जैसे क्लास में खाली स्थान लिखते हो ना ऐसे लिखना है, एक एक शब्द नहीं लिखोगे। अगर आप एक एक शब्द लिखोगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन से वाक्य का या कौन से सेंटेंस का आंसर क्या है। समझ आ रही है ना मेरी बात? अगर आप ओनली इसका आंसर लिख दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये किसका आंसर है, ये कौन सी लाइन में आएगा। तो इसलिए आपको फुल सेंटेंस लिखना है, ठीक है? खाली वन वर्ड में आंसर नहीं देना है। प्रश्न के आप दे सकते हो वन वर्ड में आंसर, लेकिन खाली स्थान ये आपको पूरे लिखने हैं, ठीक है? ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।